बच्चों, तो आपका गुंजन सर आज क्लास 9 के केमिस्ट्री का यूनिट 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आज देने जा रहे हैं। पेन और पेपर खोलिए और मेरे साथ साथ स्टार्ट होइए। चलिए रेडी। तो योर फर्स्ट टॉपिक इज मैटर इन आवर सराउंडिंग, एंड इन मैटर इन आवर सराउंडिंग वी डील या डिस्कस अबाउट व्हाट इज मैटर एंड व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल इन ए मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन फिजिकल बेसिस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, नाउ today I deliver how you can change the one states of matter into another states of matter and again reverse back into the original state. For example, solid changes into liquid and again liquid changes into solid. That is termed as interconversion of states of matter. Interconversion of states of matter का मतलब क्या हुआ? Interconversion of states of matter का मतलब हुआ solid to liquid and again liquid back into the solid. This is said to be interconversion of matter. तो interconversion of states of matter में किस किस तरह का कन्वर्सन होगा और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? When solid changes into liquid, then the process is termed as melting or fusion. Solid changes into liquid, process is called melting or fusion. F-U-S-I-O-N. पिघलना, ठीक है? Next. Liquid to vapor or gas, this is called vaporization or boiling. This is called boiling or vaporization. So solid se liquid ko melting or fusion, liquid to vapor change or gas change, it's called boiling. Again, liquid to solid, solid to liquid melting, a liquid to solid is called फ्रीजिंग। इस प्रोसेस का नाम याद रखिएगा। वेपर यानी गैस टू लिक्विड, वेपर का मतलब हो गया गैस टू लिक्विड, कंडेंसेशन। गैस टू लिक्विड क्या हुआ? कंडेंसेशन। सॉलिड टू गैस मींस द सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली चेंजेज इन टू गैसेज और इन वेपर विदाउट रीचिंग इन लिक्विड स्टेट। वह बिना लिक्विड स्टेट में आए सॉलिड अगर डायरेक्ट गैस बन गया, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। एंड कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू सॉलिड इज आल्सो नोन एज सब्लिमेशन, बट इट इज बेटर टू से दैट डी सब्लिमेशन। व्हेन गैसेस चेंजेज इनटू सॉलिड, then the process is called desublimation. But in your book, solid to gas is also called sublimation and gas to solid is also known as sublimation. दोनों में sublimation लिखा है आपके book में, लेकिन solid से gas को sublimation कहेंगे और gas से solid को sublimation भी कर सकते हैं, but it is very better to say it desublimation, ठीक है? तो ये हो गया interconversion of matter from one state to another state and again back into the original state. This is called interconversion of matter. तो इसका definition भी लिख दिया है। The phenomenon due to which matter changes from one states to another and back to its original states by changing the condition of temperature and pressure
is called interconversion of states of matter. तो इसका डिफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है कि the phenomenon due to which matter changes from one state to another and back to its original state by changing the condition of temperature and pressure. Okay. अब temperature और pressure का effect किस पर पड़ता है, कौन से फैक्टर को वह डिस्टर्ब करता है? तो जनरली तीन फैक्टर है जिसपे प्रेशर और टेम्परेचर का चेंज, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिए, टेम्परेचर घटा दिए, प्रेशर इंक्रीज कर दिए, प्रेशर डिक्रीज कर दिए, तो मैटर का तीन फैक्टर उससे इफेक्ट पड़ता है जो हम यहाँ पे लिख दिए हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, वेरी इंपॉर्टेंट. पहला है the space between the particles, temperature और pressure के घटने और बढ़ने से inter particle space पे change आ जाता है, या तो वह बढ़ जाता है या तो वह घट जाता है. तो effect of temperature and pressure in the inter conversion of states of matter, in the inter conversion of states of matter. तो अगर हम प्रेशर या टेम्परेचर को चेंज करें, चेंज करना मीन्स आइदर इंक्रीजेड और डिक्रीजेड, तो सबसे पहला इफेक्ट पड़ेगा उसका द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इंक्रीजेड और डिक्रीजेड, इंटर मॉलिकुलर स्पेस. नेक्स्ट द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो कम हो जाएंगे या तो ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, या तो कम हो जाएंगे या तो ज्यादा हो जाएंगे. तो पहला इफेक्ट पड़ा टेम्परेचर प्रेशर का इंटर पार्टिकल स्पेस पे, दूसरा इफेक्ट पड़ा इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, और तीसरा द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल. तो इस तीन के कारण मैटर अपने एक स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. किस तीन इफेक्ट के कारण? इंटर मॉलिकुलर स्पेस के अंतर होने के कारण, इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में अंतर होने के कारण, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल के घटने और बढ़ने के कारण. अब फॉर एग्जांपल, व्हेन वी कन्वर्ट सॉलिड टू लिक्विड, अगर हम क्या कन्वर्ट करेंगे, सॉलिड टू लिक्विड, तो क्या होगा? देखो, सॉलिड से लिक्विड को कन्वर्ट करेंगे तो सॉलिड टू लिक्विड, इसको कहेंगे मेल्टिंग, और लिक्विड टू सॉलिड को क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग. ये प्रोसेस का नाम हुआ. व्हेन सॉलिड हीटेड देन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड वाइब्रेटिंग रैपिडली एंड वी इंक्रीज टेम्परेचर फर्दर, और हम लोग टेम्परेचर बढ़ाए तो मॉलिक्यूल्स गेन सफिशियंट काइनेटिक एनर्जी एंड बिकम्स सेपरेट, बिकम्स व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड वाइब्रेटिंग देयर मीन पोजिशन एंड वी अगेन एंड अगेन राइजेस द टेम्परेचर द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस सो मच एंड the force of attraction between the particles broken, टूट गया, dissociate and particles take their, particle take some spaces between them, और particles अपने दूसरे particle के बीच में कुछ space ले लेता है. तो इस तरह से solid को liquid में हम लोग convert कर लिए, यहां पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सॉलिड टू लिक्विड चेंज में
ओनली टेम्परेचर कम कर रहा है, प्रेशर का इस पे कोई इफेक्ट, सॉलिड पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लिक्विड पे भी प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो सॉलिड से लिक्विड चेंज कैसे हुआ कि सॉलिड ऑन हीटिंग द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एंड फर्दर वी इंक्रीजेस द टेम्परेचर, मैंने ग्रेजुअली वी हीट द सॉलिड, धीरे धीरे सॉलिड को हीट कर रहा है, देन मोशन ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस एंड ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इंक्रीजेस एंड द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड फार अपार्ट फ्रॉम इच अदर एंड सम इंटर पार्टिकल स्पेसेस आर क्रिएटेड बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, इन दिस वे सॉलिड इज कन्वर्टेड इन टू लिक्विड। ओके, अब फिर लिक्विड को सॉलिड में कैसे बदलेंगे, तो लिक्विड को हम लोग क्या करेंगे, कूल करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। टेम्परेचर के डिक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल घटेगा और पार्टिकल के बीच का जो सेपरेशन था वह भी घटना शुरू होगा और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बढ़ना शुरू होगा। लिक्विड को जब कूल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल पार्टिकल घटेगा, काइनेटिक एनर्जी के घटने से मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के बढ़ने से स्पेस बिटवीन द पार्टिकल कम हो जाएगा और इस तरह से टेम्परेचर और घटाते जाएंगे तो लिक्विड कन्वर्ट कर जाएगा सॉलिड में। तो मेन फैक्टर है टेम्परेचर और प्रेशर का, ठीक है। इसी तरह लिक्विड टू गैस, तो लिक्विड को और हीट करेंगे, वी स्टार्ट हीटिंग द लिक्विड एंड व्हेन लिक्विड वेपराइजेस फाइनली लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड द पार्टिकल्स ऑफ गैस लिक्विड मूव्स रैपिडली एंड गो फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, so there is large intermolecular space between the particles of liquid and pressure is decreases, pressure ko sath sath kya karenge decrease karenge, to liquid ko gas banane ke liye do effect kaam kar raha hai, temperature increases jisse kinetic energy of the liquid particle increase karega और जब वह बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा और एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बहुत दूर चला जाएगा, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल काफी बढ़ जाएगा और प्रेशर को हम लोग क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। तो लिक्विड चेंज कर जाएगा किसमें, गैस में, और फिर उसका उल्टा गैस से लिक्विड बनाने के लिए प्रेशर को बहुत बढ़ाना पड़ेगा और टेम्परेचर को बहुत घटाना पड़ेगा। तो गैस से लिक्विड कब बनेगा, व्हेन वी इंक्रीजिंग और अप्लाइंग ए लार्ज प्रेशर एंड कूलिंग द गैसेस टू एक्सट्रीमली वेरी लो टेम्परेचर, और उसको ठंडा कर देंगे बहुत लो टेम्परेचर पे, इस तरह से गैस से कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड। तो ये हो गया आपका इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसपे सिर्फ टेम्परेचर का और प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है। प्रेशर का इफेक्ट लिक्विड टू गैस बनाने में होगा और गैस टू लिक्विड बनाने में होगा, सॉलिड टू लिक्विड में नहीं होगा। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग दैट इज चेंजेज इनटू लिक्विड एट कांस्टेंट प्रेशर एट वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग एंड चेंजेज इनटू लिक्विड at one atmospheric pressure is called melting point of substances. Example diye hain, ice ka melting point H2O formula hota hai solid 0 degree centigrade, sulfur S 115 degree centigrade, Pb 327 degree centigrade, Pb matlab lead, Zn zinc 420 degree centigrade 420 degree centigrade aur iron 1535 degree centigrade. Similarly, boiling point, the temperature at which liquid start boiling
जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉइल का बॉइलिंग स्टार्ट होता है एंड चेंजेस रैपिडली इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. वहां वन एटमॉस्फेयर प्रेशर लिखे, यहाँ पे एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ भी वन एटमॉस्फेयर आप लिख सकते हैं. इट्स कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड. कुछ सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट या सम सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ गिवन है. जैसे अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट 357 डिग्री सेंटीग्रेड और क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट 62 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. अब डियर, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में एक हीट, एक एनर्जी काम करता है जिस एनर्जी का नाम है लेटेंट हीट. ठीक है, वो दिखाई नहीं पड़ता है, हिडन हीट, छिपा हुआ हीट है, जो स्टेट चेंज ऑफ मैटर के लिए रेस्पॉन्सिबल है. उसको हम अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे. पहले आप इस सारे प्रोसेस को बुक से अब वन बाय वन पढ़िए कि टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, इंटर मॉलिकुलर स्पेस बढ़ा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटा, इससे सॉलिड लिक्विड बन गया, फिर उल्टा काम कर दिया, लिक्विड सॉलिड बन गया. तो ये आप पहले डिटेल पढ़िए, देन वी विल एक्सप्लेन अबाउट लेटेंट हीट एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड व्हाट डू यू मीन बाय सब्लिमेशन, ऑल थिंग्स इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर.